हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीति और स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल स्वाद बनारसी में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए बिना देर किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम बनाएंगे मसाला आलू मशरूम, वो भी प्रेशर कुकर में। आप एक बार इसे बनाएंगे तो आपका मन करेगा कि खाते ही जाए। बस ये झटपट बनके तैयार भी हो जाता है और टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे 250 ग्राम मशरूम। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मशरूम के ऊपर का जो ये पार्ट होता है, थोड़ा सा नीचे ऐसे करके इसको निकाल देंगे। ये थोड़ा सा कड़ा होता है जो सब्जी में नहीं पकता है, तो इस तरीके से काट के इसे अलग कर देंगे। तो काटने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बाउल में गुनगुना पानी लेंगे और इसमें मशरूम को डाल देंगे 5 मिनट के लिए। जितने भी डस्ट या गंदगी होगी सब पानी में निकल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि गर्म पानी में इसे डालिएगा। 5 मिनट बाद मशरूम को पानी से अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद इसे काट लेंगे। तो आप जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं, या तो इसमें जो बड़ा है उसमें 2 पीस कर दीजिए और उससे बड़ा है तो 4 पीस भी कर सकते हैं। जैसा आपको पसंद है आप उसे इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने सारे मशरूम को काट लिया है। काटने के बाद क्या करेंगे, फिर से एक बाउल लेंगे और बाउल में से ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिकन मसाला। चिकन मसाला डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। आपको लगता होगा कि ये चिकन मसाला है, लेकिन चिकन मसाला नहीं होता है। मैं हमेशा वीडियो में बताती आई हूँ कि चिकन मसाला वेज होता है, नॉन वेज नहीं होता। फिर भी अगर आप चिकन मसाला नहीं खाते तो यहाँ पे आप सब्जी मसाला या किचन किंग कोई भी मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से मैरिनेट करें। अब इसे मैरिनेट करने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 2 प्याज, 2 टमाटर, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्च। प्याज टमाटर को बारीक चॉप कर लेंगे, लेकिन लहसुन को हम नहीं काटेंगे और मिर्च में भी एक चीरा लगा लेंगे इस तरीके से। आज की जो सब्जी है उसे हम कुकर में ही बनाएंगे, तो एक यहाँ पे प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। आज हम सरसों के तेल में ये सब्जी बनाएंगे, तो तेल को सबसे पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, इसके साथ साथ हम खड़ा लहसुन भी डाल देंगे और थोड़ी देर से चटकने देंगे तेल में। आज हम खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना खड़े मसाले की सब्जी बनाएंगे। तो इसे एक बार अच्छे तरीके से चला लें। अब इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च, इसे भी साथ में डाल के थोड़ी देर पका लेंगे तेल में। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घिसे हुए अदरक और इसे भी डाल के भून लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो लहसुन और अदरक का पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश अदरक का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज को, इसे भी चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट भून लेंगे। ज़्यादा हमें प्याज को नहीं पकाना है, ना ज़्यादा कलर लाना है इसमें, बस 1 मिनट पका के थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। ज़्यादा पका देंगे अगर ब्राउन कलर आ जाएगा प्याज में तो वो गलेगा नहीं सीटी लगाने पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का प्याज सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए बारीक टमाटर को। टमाटर डालने के बाद इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिला लें। अब यहाँ पे ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगाने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने देंगे। तो 2 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे छोड़ देंगे। थोड़ी देर से छोड़ने के बाद देखेंगे कि प्रेशर कुकर निकल गया है। तो अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज टमाटर एकदम अच्छे तरीके से गल गया है, लहसुन भी एकदम सॉफ्ट हो गया है। काट के दिखा देती हूँ मैं आपको, अगर हाथ से ऐसे करेंगे तो देखिए अच्छे तरीके से मसला जा रहा है। तो चलिए फिर से गैस को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद फिर से मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे
चलाते हुए 2 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मसला जाए। इसमें का जितना पानी है ख़त्म करना है हमें पकाते हुए। अब इसे चलाने के लिए इस तरीके का कोई गहरा वाला कलछी लेंगे और चलाते हुए इस तरीके से हमें मसलना है। तो इस तरीके से चलाएंगे तो ये मसलाते हुए जाएगा और अच्छे से भुना भी जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे तरीके से सूख गया है और टमाटर प्याज का एकदम पेस्ट बन चुका है। पता ही नहीं चला कि हमने यहाँ पे खड़े टमाटर और प्याज का इस्तेमाल किया था। तो एक बार फिर से इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे। चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर। डालने के बाद फिर से इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे और चलाते हुए इसे 1 मिनट भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो 1 मिनट बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुना गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें मशरूम को डाल देंगे। मशरूम डालने के बाद इसमें हम आलू को भी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम 2 मीडियम साइज के आलू लेंगे और उसे मीडियम साइज में कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम 2 लहसुन लेंगे खड़ा, उसे अच्छे से छिल के साफ कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे। लहसुन का जो टेस्ट आएगा इसमें ना, वो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे और मिलाने के बाद 1 मिनट चलाते हुए भून लेंगे। तो 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो पानी हम यहाँ पे 1 कप इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो ग्रेवी पतली हो जाएगी और खाने का टेस्ट खराब हो जाएगा। 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डालने के बाद फिर से इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे। अब ढक्कन लगा के इसमें 2 सीटी आने देंगे। थोड़ी देर से छोड़ने के बाद देखेंगे कि प्रेशर पूरा निकल गया है। तो अब हम इसे तो लीजिए, गर्मा गर्म मसाला आलू मशरूम बन के तैयार है। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपका भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ऊपर से थोड़ा सा हम धनिया डेकोरेशन कर देंगे इस तरीके से। धनिया इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी हमारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और एक बार आप इसे ट्राई करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कैसा बना था।